ये ले इसको टू कलर यूज़ करके बनाएंगे तो सबसे पहले थ्रेड अटैच करके फाउंडेशन रो बनाएंगे चेन टू सिंगल क्रोशे से तो ये सपोज थ्रेड अटैच हो गया है अब हमें बेस लाइन बनानी है चेन टू सिंगल क्रोशे इस तरह से अब बेस लाइन बनाने के बाद हमें टर्न करना है और दूसरा कलर अटैच करना है तो इस तरह से मैं लूप निकालूंगी मैं थ्रेड कट नहीं कर रही हूँ अब ये ओल्ड जो थ्रेड है इसे होल्ड करके रखेंगे और इसमें हम न्यू थ्रेड को इस तरह से अटैच करेंगे और इसे पुल कर देंगे तो हमें ये काटने की ज़रूरत नहीं है थ्रेड को यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे थ्रेड अटैच करने के बाद अब चेन थ्री बनाएंगे वन टू थ्री ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे को स्किप करते हुए नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में हमें ट्रेबल क्रोशे बनाना है ट्रेबल क्रोशे बनाने के लिए टू टू लूप्स में से निकालते हुए इस तरह से बनाते अब ये ट्राइंगल बन गया है इसमें वर्क करना है चेन थ्री बनाएंगे चेन थ्री बनाने के बाद सिक्स डबल क्रोशे बनाएंगे ये सेम स्पेस में सिक्स डबल क्रोशिया बनाने के बाद डायरेक्टली हमें ट्रेबल क्रोशिया बनाना है ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया स्किप करना है और नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया पे जाकर यहाँ पर हमें इसके ऊपर ही ट्रेबल क्रोशिया बनाना है तो इसी तरह हमें ये रो कंप्लीट करना है फिर से ट्राइंगल बन गया है अब चेन थ्री और सिक्स डबल क्रोशिया ये स्पेस में बनाएंगे पूरी रो में यही डिज़ाइन रिपीट करते रह गए अब ये जैसे ही सिक्स डबल क्रोशे हो गए ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे वन सिंगल क्रोशे स्किप करेंगे नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में ट्रेबल क्रोशे अब ट्रेबल ट्रेबल क्रोशे बनाने के बाद सेम रिपीट करेंगे चेन थ्री और सिक्स डबल क्रोशे यहाँ पर बनाते हुए वन सिंगल क्रोशे स्किप करेंगे नेक्स्ट पे ट्रेबल क्रोशे तो ये रो को इसी तरह बनाए ये फर्स्ट कलर है जो मैंने कट नहीं किया था तो इसे हम यहाँ पर फिर से अटैच करेंगे ये जो स्टार्टिंग की चैनरी है इसके ऊपर सिंगल क्रोशे बनाते हुए लेकर आएंगे इसे टू थ्री सिंगल क्रोशे बनाते हुए लाएंगे और ये इसके बेस में यहाँ पर इसे अटैच करेंगे इस तरह से ये इसके स्टार्टिंग पॉइंट में अटैच हो गई है अब चेन थ्री बनाएंगे वन टू थ्री अब ये जो इसका टॉप है यहाँ पर ये फर्स्ट शेल का ये जो फर्स्ट स्टिच हमें जो दिखाई दे रहा है इसमें जाकर हमें सिंगल क्रोशे बनाना है और अपने डिज़ाइन को स्टार्ट करना है अब ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे ये जो फर्स्ट शेल है इसकी जो लास्ट स्टिच है इसके अंदर जाकर हमें ट्रेबल क्रोशे बनाना है टू टू लूप्स में से निकालते हुए हम इस तरह से ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे ट्रेबल क्रोशे बनाने के बाद चेन थ्री बनाएंगे वन टू थ्री चेन थ्री बनाने के बाद ये जो ट्रेबल क्रोशे बनाए हैं यहाँ पर हमें सिक्स डबल क्रोशे बनाना है ये स्पेस में अब सिक्स डबल क्रोशे बनाने के बाद अब ये जो हमें स्पेस दिख रही है नेक शेल की तो ये जो फर्स्ट हमारे डबल क्रोशे जो स्टिच है हमारी तो फर्स्ट स्टिच में जाकर हमें इसे अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस तरह से ये अटैच हो गया है अब यहाँ से सेम रिपीट करेंगे ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे और इसके लास्ट स्टिच में जाकर हम ट्रबल क्रोशे बनाएंगे और सेम इसी तरह हर शेल के साथ हम यही करते जाएंगे ये ट्रेबल क्रोशे बन गया अब सेम रिपीट करेंगे इसके ऊपर चेन थ्री और ये ट्रेबल क्रोशे के स्पेस में सिक्स डबल क्रोशे सिक्स डबल क्रोशे बनाने के बाद इसकी शेल पे स्टार्टिंग ये जो ने, नेक शेल आता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे जाकर हमें इसे अटैच करते जाना है और फिर से वही रिपीट करेंगे ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे इसके लास्ट स्टिच में यही शेल के तो सेम रिपीट करते हुए ब्यूटीफुल डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे